सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसकी डेफिनेशन देंगे, साथ में इसकी डायमेंशन निकालेंगे, विमा निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे और इसका जो है गुरुत्वीय त्वरण से क्या संबंध होता है, जो एक्सेलरेशन होता है हमारे ड्यू टू ग्रेविटी, उससे इसका क्या रिलेशन होता है, कि पूरा आज अपन इसका डेरिवेशन भी देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले हम जब गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, कि मानो कोई आवेश है तो उसका एक निश्चित दूरी तक उसका प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कि एक आवेश यहाँ रखा हो और 2-4 किलोमीटर से दूरी तक उसको आप दूसरे आवेश को आकर्षित कर सकता है। यानी एक आवेश यदि मान लो है कोई चार्ज है तो चार्ज जो होता है इसके चारों तरफ एक निश्चित दूरी होगी, मान लो कि यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये वाली जो दूरी होती चारों तरफ जहाँ तक इसका प्रभाव पड़ेगा वो वाला इसका क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। या मान लो मैग्नेट है हमारे पास, चुंबक है, तो चुंबक का भी क्या होता है, एक निश्चित दूरी तक ही प्रभाव होता है। मान लो चुंबक हमारे पास एन और एस, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी जो चुंबकीय पदार्थ है, या कोई वस्तु है यहाँ पर, तो ये चुंबक क्या करेगा, इसको अपने ओर आकर्षित करेगा या प्रतिदर्शित करेगा, जो भी इसकी गुण होगा। तो ऐसा नहीं कि चुंबक जो है बहुत दूर रखी वस्तु उसको भी अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो चुंबक है या विद्युत है या हमारे पास पृथ्वी है, ये क्या करती है, एक निश्चित दूरी तक ही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक निश्चित क्षेत्र उसका होगा जिस पर जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उस क्षेत्र के बाद उसका प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करेंगे। तो गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा कि हमारे पास में किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब यहाँ पृथ्वी की बात करेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी पिंड का वह क्षेत्र जहाँ तक उस पिंड का प्रभाव, उस पिंड के प्रभाव से क्या होता है, दूसरा पिंड अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित होता है, उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र किसको कहेंगे कि किसी मान लो कोई पिंड है, वो पिंड हमने रखा हुआ, मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी है मान लो, अब इस बॉडी का प्रभाव कहाँ तक पड़ता है, ये बॉडी कहाँ तक इसको दूसरी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहाँ तक का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम बोलेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य पिंडों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उस क्षेत्र को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। चाहे विद्युत क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, या हमारे पास गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करते हैं, सभी का अपना अपना एक क्षेत्र होगा। अभी हम यहाँ पर केवल गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें, पृथ्वी क्षेत्र मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, पृथ्वी जितने बल से किसी वस्तु को अपने आकर्षित करेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को पृथ्वी क्षेत्र कहेंगे। अब इसी से हमारे पृथ्वी क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो पृथ्वी क्षेत्र होता है हमारे पास में, उस पृथ्वी क्षेत्र के किसी बिंदु पर यदि अपन कोई मास रख देते हैं, द्रव्यमान रख देते हैं, मान लो हमारे पास ये एक पिंड है, एक बॉडी है जिसका मास m है और ये बिंदु O पर रखा हुआ है, तो इस बॉडी के कारण से एक दूसरे हम छोटा सा पार्टिकल्स लेंगे, मास लेंगे, इस मास को हम यूनिट मान लेंगे, बहुत छोटा है, इस यूनिट मास मान लें एकांत द्रव्यमान का कोई पिंड है। क्या करेंगे, एक बॉडी हमारे पास, एक वस्तु, एक पिंड है, तो इस पिंड का मान लो ये पिंड क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि अपने पढ़ा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कि यदि दो पिंड हैं तो क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये पिंड इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। अब ये जो बल लगा रहा है इस पिंड पर कितना बल लगा रहा है, इस पिंड जो हमने कण लिया है ये छोटा पार्टिकल्स ले रखा है, इस पार्टिकल्स पर ये जो बड़ा पिंड है ये कितना इस पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन डेफिनेशन देते समय क्या करते हैं कि ये मास को हम यूनिट मान लेते हैं, इस मास को एकांक मान लेते हैं, तो ये एकांक द्रव्यमान का जो पिंड होता है इस गुरुत्वीय क्षेत्र में, इसको हम रखते हैं तो जितने बल का अनुभव करता है
एकांत द्रव्यमान का पिंड क्या करता है, यदि इसके संपर्क में रहता तो ये क्या करेगा, इसके फोर्स लगाएगा, अपने आप को सिद्ध करेगा। तो ये जो पिंड है, जो है ये पिंड, इस पिंड के कारण से इस कण पर जितना बल लगेगा वो बल हमारे पास में क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांत द्रव्यमान इस कण को या इस पिंड को हम क्या करना है, इस पिंड के संपर्क में वहाँ रखना है जहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर रखते हैं, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमने रख रखा है स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड है और ये हमारे पास कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है। अब इसमें ध्यान रखना है कि स्मॉल एम कण का जो द्रव्यमान लिया इसका मान बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है, और ये इसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं ये भी इसको आकर्षित करने लग जाए, इसलिए क्या करते हैं कि ये जो बॉडी लेते हैं ये बहुत छोटी लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, कण का द्रव्यमान बहुत कम होता है, ध्यान रखना। उसने तो ये भी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाने लगेगा, ध्यान रखना। तो ये वाला जो होता है इसका जो आकर्षण होता है इसको लगाने मान लेते हैं, क्योंकि इसको बहुत छोटा होता है, ये इस पर कितना बल लगा है इसी, ध्यान रखना। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे, यदि कोई पिंड है हमारे पास, उस पिंड के द्वारा किसी एकांत द्रव्यमान पर जितना बल लगाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि एकांत द्रव्यमान का जो पिंड होता है वो पिंड जितने बल का अनुभव करता है इस पिंड के कारण से, उस बल को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे कि एकांत द्रव्यमान का पिंड है, एकांत द्रव्यमान का पिंड जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है, मतलब इसके कारण से इसमें जितना गुरुत्वीय बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, उस गुरुत्वीय बल को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा में आ गई होगी कि मान लो गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमने एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड रख दिया, तो वो पिंड जितने बल का अनुभव करेगा उस बल को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब यदि अपन मान लो कि हमारे पास एम द्रव्यमान का कोई पिंड हमने रख रखा है और इस पर एफ बल का अनुभव करता हो, मतलब इसके कारण से इस पर एफ बल लग रहा है, हमने मान लिया द्रव्यमान, हमने एम मान लिया स्मॉल एम, और उस पर कितना बल लग रहा मान लिया एफ बल लग रहा, तब उस बिंदु पर विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया है इक्वल टू एफ अपॉन एम होगी, आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आई इक्वल टू एफ अपॉन एम होगी। अब यदि मान लो कि एम को मान वन कर दिया, इसको मैंने एक मान लिया, ये मान लिया आपने एक मान लिया, तब इस स्थिति में क्या होगा, एम इक्वल टू वन, तो आई इक्वल टू एफ हो जाएगा, यदि एक रखेंगे आई बराबर एफ हो जाएगा, आई बराबर एफ हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, यानी गुरुत्वीय बल किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन कब, जब द्रव्यमान कितना हो एकांक हो। तो डेफिनेशन कैसे देंगे कि एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है उस बल को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डेफिनेशन समझ आ जाएगी कि एकांक द्रव्यमान का पिंड जितने बल का अनुभव करता है, कौन से बल का, गुरुत्वीय बल का, हम गुरुत्वीय बल की बात करें, जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करेगा उस बल को ही हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब ये पिंड जो लिया है इसको ध्यान रखना है कि इसका द्रव्यमान बहुत कम होना चाहिए, ये इसको प्रभावित नहीं करना चाहिए, ये कंडीशंस होती है इसमें, ये जो बॉडी रहती है बहुत छोटी होती है, इसके प्रभाव से इसका गुरुत्वीय क्षेत्र हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ध्यान रखना। तो इस बल के इसके कारण से इस पर कितना बल लगे, इसके कारण से इसके बल नहीं देखेंगे क्योंकि तो बहुत छोटा है, ध्यान रखना। अब इसकी डेफिनेशन होगी, इसका मात्रक देखेंगे, मात्रक क्या जाएगा, फोर्स का मात्रक मतलब न्यूटन, बल का न्यूटन होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम, तो न्यूटन पर किलोग्राम होता है। तो जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रक देखिए न्यूटन बटे किलोग्राम। यदि इसकी विमा निकाले, विमा बल की पता हमको, बल की विमा एम एल टी माइनस टू होती है, बल की विमा याद रखना एम एल टी माइनस टू होती है, और द्रव्यमान की एम होती है, मास की एम होती है, तो एम से कैंसिल हो जाएगा, एम से कैंसिल हो जाएगा, एल टी माइनस टू आ जाएगी, और यही विमा हमारे पास ने पढ़ रखी है कि गुरुत्वीय त्वरण की भी यही विमा होती है। तो इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण की विमा और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा दोनों की विमा सेम होगी। तो इसको याद रखना कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण की विमा दोनों की विमा एल टी माइनस टू होती है और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर किलोग्राम होता है। अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। मान लो कि हमारे पास में एम द्रव्यमान का एक पिंड है जो बिंदु ओ पर रखा हुआ है,
इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया हमने, ये ओ को हमने केंद्र मान लिया और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया है। इस बिंदु पी पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस बिंदु पी पर एक स्मॉल एन द्रव्यमान का कोई भी कण रख देंगे, बॉडी रख पार्टिकल रख देते हैं। ये स्मॉल एन द्रव्यमान का कण है और ये हमारे पास कोई पिंड है। तो ये पिंड इस पर जितना बल लगाएगा उस बल को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन डाल दी कि ये द्रव्यमान को हम एकांक मान लेंगे, इस एकांक द्रव्यमान पर जो बल लगेगा उस बल को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आर इक्वल टू होता है एक अपान एम, यदि एम इक्वल टू वन होगा तो आर इक्वल टू क्या जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ क्या है, गुरुत्वीय बल है। एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो हमने क्या मान लिया, एक पिंड ले लिया जिसका द्रव्यमान ए मान लिया, इसको हमने ओ पर रख दिया, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी मान लिया है। इस पी बिंदु पर अपने को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इस बिंदु पी पर एक स्मॉल एन द्रव्यमान का कोई कण रख देते हैं। ये कण बहुत छोटा होगा, इस कण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है बहुत कम होता है, नगण्य होता है। तो कण ऐसा लेना है कि इस कण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने को तो इसके कारण से इस पर कितना बल लगेगा वो अपने को ज्ञात करना, इसके कारण से इस पर कितना बल लगेगा ये नहीं ज्ञात करना क्योंकि पार्टिकल छोटा रहता है, ध्यान रखना नगण्य रहता है, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो हम जानते हैं कि जब दो पिंड होंगे एक एम और स्मॉल एम, तो इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, जिन्हें हमने कैपिटल एम द्रव्यमान जो ले रखा है इसके कारण से स्मॉल एम द्रव्यमान पर कितना बल लगेगा। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ने पढ़ रखा है, यदि दो पिंड होते हैं एम कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान के दो यदि पिंड होते हैं तो उनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है एच इक्वल टू जे एम बटे आर का स्क्वायर होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को अच्छी तरह समझना कि दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसका सूत्र होता है एफ इक्वल टू जी एम एम बटे आर का वर्ग। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। कैपिटल एम इस पिंड का द्रव्यमान है, स्मॉल एम इस कण का द्रव्यमान है और आर इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये हमारे पास न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है। इस सूत्र में एफ ये जो स्मॉल एम लिखा है इसको हम नीचे ले आएंगे तो एफ अपन एम हो जाएगा, जे अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ अपन एम क्या कहलाता है, एफ अपन एम जो होता है वो आई कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यह हमने एफ अपान एम जो लिखा इसके स्थान पर आई लिखते हैं, या आई लिख दिया, इसको हमने आई लिख दिया इक्वल टू जे अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमने आई लिख दिया है और जे अपान आर स्क्वायर होता है। तो यही सूत्र हमने पढ़ रखा है, जो आई इक्वल टू जे अपान आर स्क्वायर, इसी को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और यही हमारे पास गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा या व्यंजक होगा। फार्मूला भी पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, आर इक्वल टू जी एम अपन आर का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अपने को निकालना, एफ कहाँ से निकालेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। एफ का मान होता है जी एम एम बटे आर का स्क्वायर, तो स्मॉल एम इधर नीचे गया ना, ये आर हो जाएगा और इसी को हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि मान लो यदि सदिश रूप में यदि पूछा जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फार्मूला होगा, तो सदिश के लिए क्या करते हैं, एक एकांक सदिश लगाते हैं या यूनिट वेक्टर लगाते हैं। ये आर जो होता है वो एकांक सदिश कहलाता है, इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। जब ये अपन एकांक सदिश की बात करते हैं तो एक्स दिशा या वाई दिशा या जेड दिशा में क्या प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पास यदि सदिश रूप में लिखने का बोला है तो यहाँ आर कैप लगा देना, इसको हम एकांक सदिश बोलते हैं। और आर कैप का मान होता है, आर कैप पढ़ते हैं इसको, आर कैप का मान होता है आर वेक्टर अपन आर के बराबर होता है। ये मान आर कैप का मान यहाँ रख देंगे तो ये हमारे पास किया जाएगा आर के पी जगह आर के का मान आर वेक्टर अपन आर, या इसको आर की पावर थ्री भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आई इक्वल टू हो जाएगा जी एम आर वेक्टर अपन आर की पावर थ्री। ये यदि सदिश रूप में पूछते हैं तो इस तरह से हमारे पास विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब यदि अपने पूछा जाए कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय बल में क्या संबंध होता है,
तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने लिख रखा है आई इक्वल टू जे अपन आर स्क्वायर। इसका पहला वीडियो हमने गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वीय त्वरण का बना रखा है, तो जी इक्वल टू होता है जे अपन आर का स्क्वायर। यदि अपन यहाँ भी यदि त्रिज्या को दूरी को आर मान लेते हैं तो ये भी स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। आर दूरी को गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो ये भी स्मॉल आर के बराबर ही लिखते हैं हम, तो जी इक्वल टू होता है जे अपन आर का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले को देखो, दोनों एक ही है, दोनों बराबर है, यानी राइट हैंड बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा, तो आर इक्वल टू आएगा जी। यानी कहने का मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब हमारे पास गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आर, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं। तो कभी सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण दोनों इक्वल होते हैं बराबर होते हैं, तो भी अपने किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।